इंडक्शन ऑफ लेबर, यानी जब लेबर पेन्स अपने आप नहीं चालू होते हैं तो क्या हम आर्टिफिशियली या कृत्रिम तरीके से लेबर पेन स्टार्ट कर सकते हैं या कुछ दवाइयां दे सकते हैं जिससे लेबर चालू हो जाए और पेशेंट नॉर्मल डिलीवर कर दे? वेल, आज हम ये डिस्कस करेंगे कि इंडक्शन ऑफ लेबर क्या होता है और कैसे सीजरियन सेक्शन से बचा जा सकता है लेबर पेन इंड्यूस करके। नमस्ते, मैं हूं डॉक्टर मुकेश गुप्ता, स्त्रीरोग विशेषज्ञ लेनेस्ट मलाड मुंबई से। इंडक्शन ऑफ लेबर यानी आर्टिफिशियल तरीके से दर्द शुरू करना, जब किसी स्त्री को लेबर पेन नहीं अपने आप आ रहा है और यदि उसकी तारीख निकल गई है या किसी और कारणवश जैसे कि ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा बढ़ गया है या और कोई कॉम्प्लिकेशन है जिसमें बच्चे को जल्दी डिलीवर करना पड़े, तो हम उसे कहते हैं इंडक्शन ऑफ लेबर। अब चॉइस ये है कि जब हमें डिलीवरी करनी है और नेचुरल पेन नहीं आता है, क्या हम सीजरियन सेक्शन करें या आर्टिफिशियली इंडक्शन ऑफ लेबर करें? इन दोनों में सही रास्ता क्या है? ऑब्वियसली सही रास्ता नॉर्मल डिलीवरी है, यानी आप इंडक्शन कैसे करेंगे? सो पहले तो हम समझते हैं कि इंडक्शन करने के पहले हम किन चीज़ों को चेक करते हैं और डिसाइड करते हैं कि आपको नॉर्मल इंडक्शन किया जा सकता है या नहीं। सो देर जो इसके कॉन्ट्राइंडिकेशन से पहले से रूल आउट करते हैं, जैसे कि अगर किसी लेडी का प्लासेंटा बहुत नीचे है या नाल नीचे की तरफ लटक रही है या उसे कोई पैथोलॉजी है या फाइब्रॉइड है या गांठ है जो नीचे की तरफ थी या उसका बहुत बड़ा यूट्रस का ऑपरेशन हुआ हुआ है और यूट्रस की दीवार कमज़ोर है, या हो सकता है कि नीचे ऐसा इन्फेक्शन है जो बच्चे को इन्फेक्शन हो जाए अगर बच्चा नीचे से डिलीवर हो, कुछ प्रकार के वायरल इन्फेक्शन होते हैं जो ट्रांसमिट हो सकते हैं वहाँ से, ये सारे फैक्टर्स अगर हमने रूल आउट किए या बेबी बहुत ही बड़ा है और नीचे निकलने का रास्ता ही नहीं है तो हम आर्टिफिशियली उसे इंड्यूस करके उसे रिस्क नहीं दे सकते। ये सारे फैक्टर्स रूल आउट करने के बाद आपको डॉक्टर ऑप्शन देंगे इंडक्शन ऑफ लेबर का। नाउ इंडक्शन ऑफ लेबर के पहले आप क्या चीज़ों का ध्यान रखेंगे? आपके डॉक्टर पहले चेक करेंगे कि बच्चा मैच्योर है या नहीं, बच्चे की साइज व्यवस्थित उस परिस्थिति पर पहुंच गई है कि सब कुछ परफेक्ट है या नहीं, क्या हम और वेट कर सकते हैं नेचुरल पेन के लिए? वेट करने में कोई रिस्क तो नहीं है तो हम वेट करेंगे, हम क्यों इंड्यूस करें? हम चाहेंगे कि थोड़ा दिन और रुके, नेचुरली अपने आप पेन चालू हो जाए। और यदि सारे फैक्टर्स चेक करिए तो हम इंटरनल एग्जामिनेशन चेक करके देखते हैं कि सर्विक्स की क्या परिस्थिति है। सर्विक्स मतलब थैली का मुंह, जो थैली का मुंह होता है उसे चेक किया जाता है कि उसका एग्जैक्टली क्या परिस्थिति है, क्या वो फेवरेबल है डिलीवरी के लिए नहीं। इसे हम कहते हैं बिशप स्कोरिंग। उसमें सर्विक्स का डायलेटेशन, उसका इफेसमेंट, उसका लेंथ, पोजिशन, बेबी का हेड कौन से स्टेशन पे, सारे फैक्टर्स, कंसिस्टेंसी उसका, सर्विक्स का, सब चेक किया जाता है और उससे हमें पता चलता है कि डिलीवरी होने की संभावना है या नहीं। अब ट्रीटमेंट ऑप्शंस क्या है, क्या क्या चीज़ें की जा सकती हैं इंडक्शन के लिए? सबसे पहले तो प्रोस्टाग्लैंडिंस नाम का एक द्रव्य होता है या ड्रग होता है या मेडिसिन होता है जो हम यूज़ करते हैं, या ये ओरल टैबलेट में या वजाइनल टैबलेट में या जेल की तरह से या पेसरी की तरह से यूज़ करते हैं। आजकल हम पेसरी बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं, इट इज़ अ वेरी पॉपुलर मोडालिटी नाउडेज। सो ये चीज़ यूज़ करके हम सर्विस को राइपन करने में मदद करते हैं। सेकेंड ऑप्शन है ऑक्सीटोसिन का ड्रिप। यदि सर्विस राइप हो जाए उसे समय देना पड़ता है। एक बार आपने प्रोस्टाग्लैंडिन यूज़ किया तो डिपेंड्स कि कौन सा यूज़ किया है, हो सकता है 6 घंटा या 12 घंटा या 24 घंटे वेट करते हैं हम, उसका इफेक्ट आने के लिए हम ट्राई करते हैं और अगर फिर भी यदि नहीं आया तो एक दूसरा ऑप्शन होता है, दैट इज़ ऑक्सीटोसिन ड्रिप। ऑक्सीटोसिन नाम का एक पदार्थ है जो जब ड्रिप में दिया जाता है तो यूट्रस में कॉन्ट्रैक्शन क्रिएट करता है, जिसे हम वेरी लो डोज से चालू करते हैं और धीरे धीरे बढ़ाते जाते हैं। एक और तरीका है जिसे हम कहते हैं एमनियोटॉमी और आर्टिफिशियल रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन, जहां हम मेम्ब्रेन्स को खोल देते हैं जिससे कि दर्द चालू हो जाए। पर याद रहे, किसी भी पेशेंट को इंडक्शन करने के पहले हम एक स्वीपिंग करके एक टेक्निक होती है जिसमें हम उंगली से, फिंगर से मेम्ब्रेन्स को सेपरेट करते हैं जिससे कि उसका नेचुरल पेन चालू हो, नेचुरल प्रोस्टाग्लैंडिन रिलीज होना चालू हो जाए। जब भी कोई पेशेंट को आर्टिफिशियल इंडक्शन किया जाता है उसे कंटिन्यूसली इलेक्ट्रॉनिक फीटल मॉनिटरिंग पर रखा जाता है और बच्चे की धड़कन को कंटिन्यूसली मॉनिटर किया जाता है कि सब ठीक है या नहीं और सब चीज़ परफेक्ट है या नहीं। हमारे पास में आजकल वायरलेस फीटल मॉनिटरिंग डिवाइसेस के भी सिस्टम आ गए हैं जिससे कि पेशेंट कंफर्टेबली अपना घूम सकती है, चल सकती है, तो उसके बावजूद भी उसे लेबर पेन और लेबर की वजह से बच्चे की धड़कन तो कुछ कम ज़्यादा नहीं हो रही है, ये चेक किया जा सकता है। अगर हम सरल शब्दों में कहें सो इंडक्शन ऑफ लेबर एक प्रकार का तरीका है जो उन स्त्रियों को मदद करता है जिन्हें नेचुरल पेन नहीं आ रहा है या जिन्हें समय के पहले किसी मेडिकल रीजंस की वजह से उसे डिलीवर करना जरूरी हो गया है और हम चाहते हैं कि सीजर ना करें और उसे नेचुरल का मौका दें। ये बहुत ही सही तरीका है यदि सही तरीके से मॉनिटर किया जाए और सही तरीके से एग्जीक्यूट किया जाए।
Thank you very much. All the very best.